हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लिव लाइफ विद ब्यूटी एंड हियर आई एम प्रिया शिवम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उससे भी इम्पॉर्टेंट सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लू स्मोकी आई लुक, जो कि काफ़ी इजी तरीके से मैंने क्रिएट किया है ताकि आप इस वीडियो को देख करके आसानी से इसे कर सको। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे की जेल मॉइस्चराइज़र। क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मॉनसून में, इसलिए मैंने जेल मॉइस्चराइज़र सबसे पहले अप्लाई कर लिया है अपने स्किन पे। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर, जिसमें से मैंने लिया है मेबलिन की फिट मी कंसीलर। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपनी अपर आईलिड पर पूरे कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपको हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद मैं इन सारे कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी, और कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद यहाँ पे मैं आईज कॉर्नर पे सेलोटेप यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी आई लुक प्रिसाइज दिखे। नेक्स्ट मैंने लिया है ये शेड जो है स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट में से, उसे एज अ ट्रांजिशन शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसे क्रीज पर अप्लाई कर दिया है, साथ ही साथ ब्लेंड भी कर दिया है। उसके बाद मैं आउटर वी पे प्लेस करने जा रही हूँ एक ब्लैक आई शेडो। तो पहले मैंने कॉर्नर पर इसे डिपॉजिट किया है, बहुत ही लाइट अमाउंट में मैंने लिया है फर्स्ट कोट। उसके बाद मैंने इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर दिया है। इस तरीके से मैंने आउटर वी को बिल्ड किया है, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको आउटर वी पर ही रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लू काजल, और इसकी मदद से मैं अपने अपर आईलिड पर इसे अप्लाई कर लूँगी। हाफ बॉल पर इसे अप्लाई कर रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने एक ब्रश की मदद से इसे मर्ज कर दिया है, अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और ब्लेंडिंग हमेशा सॉफ्ट हैंड मूवमेंट ही रखा करें। उसके बाद मैंने लिया है मार्स की आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने लिया है एक रॉयल ब्लू शेड जो कि शिमर शेड है, और उसी काजल के ऊपर अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से 1/3 आई बॉल पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। दोनों आँखों के आई लुक को मैंने इस तरीके से कम्प्लीट किया है, और लास्ट में मैंने अच्छे से एजेस को ब्लेंड कर दिया है। तो फेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी शेड फॉल आउट हुए उसे वेट वाइप की मदद से मैंने अंडर आई स्पेशली को क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसकी मदद से मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, जो कि काफ़ी लाइट वेटेड है, वाटर कंसिस्टेंसी है इसकी, तो विद इन अ सेकेंड आपकी स्किन भी अब्जॉर्ब हो जाती है बिकॉज ह्यूमिडिटी है। तो मैं कोई भी फेशियल ऑयल या हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ प्राइमर। तो प्राइमर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एम्स्टर्डम की प्राइमर, जो कि मेरी फेवरेट है। तो इसे मैंने जो नोज़ एरिया है और चिन है उस जगह पर मैंने अप्लाई कर लिया, स्पेशली वहाँ पर ही आपका रिक्वायरमेंट होता है प्राइमर का। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अंडर आइज़ को कंसील कर रही हूँ सेम आपके फिट मी कंसीलर की मदद से। मैंने यहाँ पर अंडर आइज़ को कंसील कर लिया है। तो अगर आप ये लुक डे टाइम के लिए करने वाले हो तो मॉइस्चराइजेशन के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद मैं यहाँ पे फिट मी की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें मेरा नंबर है 128 वार्म न्यूड। फाउंडेशन को हमेशा हल्के अमाउंट में ही डॉट्स देते हुए अप्लाई करें ताकि वो नेचुरल दिखे। और यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे फाउंडेशन को सेट कर लिया है, स्पेशली मैंने टी जोन एरिया को सेट किया है और अंडर आइज़ को। उसके बाद मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ आईब्रो, जिसके लिए मैंने लिया है मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, और उसकी मदद से अपने आईब्रो को मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पर मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मार्स आई शेडो पैलेट में से वाइट शेड शिमर वाइट शेड। तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, जो कि बहुत पूरी तरह से वाइट नहीं दिख रही थी, ग्रे दिख रही थी, लगभग ग्रे ही दिख रही थी ये। उसके बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई करने जा रही हूँ। तो फॉल्सेस अप्लाई करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, लेस कर्ल कर लेनी चाहिए। तो लेस कर्ल करने के बाद मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया, देन मैंने फॉल्सेस को अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो क्रीज लाइन पर शेड अप्लाई किया था, उसके साथ ब्राउन शेड को मिक्स करते हुए लोअर लैश लाइन पर इसे अप्लाई कर लिया है, ताकि ये आई लुक कम्प्लीट दिखे और स्मोकी लुक इफेक्ट भी दे साथ ही साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे की आइकॉनिक काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल काफ़ी नॉर्मल मैंने अप्लाई किया है, वाटर लाइन पर, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन। उसके बाद टाइम है कॉन्टोरिंग की, जिसके बिना आपका मेकअप बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं है। तो उसके लिए मैंने सेम पैलेट में से ब्राउन शेड पिक किया है और अपनी जो भी हाई पॉइंट्स है उसे कॉन्टोर कर लिया है। देन यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, मार्स की ब्लश, उसमें से मैंने सॉफ्ट कूल शेड अप्लाई किया है।
देन मैं नोज़ कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ अपने फिंगर की मदद से। मैंने यहाँ पे नोज़ कॉन्ट्रोल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, स्विस ब्यूटी के हाईलाइटर, और उसके मदद से मैंने ब्रोबोन को हाईलाइट कर लिया है। और उसके साथ ही साथ मैंने जो भी मेरे फेस के हाईलाइट पॉइंट्स हैं मैंने उसे हाईलाइट कर लिया है। और ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करने से ये काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देती है। उसके बाद पूरे फेस को मैं लॉक कर लूँगी स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर से। उसके बाद मैंने सेटल डाउन कर दिया है इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। नाउ टाइम टू लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे पिक किया है ब्लू हेवन की मैट लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है, शेड नंबर मुझे याद नहीं है तो मैं कलर बता देती हूँ, मैजेंटा शेड है, प्रॉपर मैजेंटा शेड है, तो जो कि इस आई लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें। सो गर्ल्स, यहाँ कंप्लीट होती है मेरी ब्लू स्मोकी आई लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक बहुत अच्छी लगी होगी, और जो कि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इसे क्रिएट किया है स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो अगर आपको ये लुक अच्छी लगी हो और साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें, इस वीडियो को एक लाइक दें, साथ ही साथ मेरी जैसे और भी वीडियोज़ देखने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।